दिस इज द ऑयल. नाउ विल मेक दिस चिंगड़ी. हमारे भाषा में से चिंगड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? प्रॉन. प्रॉन इंग्लिश में से प्रॉन कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉन एंड दिस इज ऑयल. यू हैव टू कीप मीडियम फ्लेम. ओके, दिस ऑलरेडी आई शोड यू आफ्टर वॉशिंग. यू हैव टू ऐड सॉल्ट एंड दिस वन टर्मरिक. आफ्टर 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू कुक इट. Not me, my mom is going to cook. Latika. Like this, you have to add this prawn chingdi in oil and you have to fry. ड्यूरिंग फ्राई यू नो नीड टू ऐड एनी अदर थिंग्स. ओके, तो इस तरह से जब हम फ्राई करेंगे, पहले से ही हमने हल्दी और नमक मिला लिया है. फ्राई करने के वक्त आपको कुछ मिलाना नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी मैरिनेट जब हुआ था अंदर उसमें चला गया है. तो इसे ब्राउनिश होने तक इसे फ्राई होने देंगे. फ्राई होने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे लगता है. तो अभी फ्राई हो गया है, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है. देखिए, ज़रा ज़रा इसे फ्राई कर दिया है मैंने. फ्राई करने के बाद चिंगड़ी में ज़रा पानी रहता है हमेशा, तो उस पानी को हम नहीं निकालेंगे. प्रॉन में पानी होता है, वाटर कंटेंट है, तो उस हल्का सा जब हो जाएगा ब्राउनिश, ज़रा पक जाएगा तेल में, तेल ज़रा ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा उस पर. फिर ऑनियन और चिली, ग्रीन चिली लगती दिखा. अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे एकदम. तो देखते रहिए मेरा वीडियो. और मम्मी, माँ के हाथों का खाना कैसा होता है वो भी देखिए. और आप सब ट्राई कीजिए कि कैसा है, बंगाली डिश है. तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए. और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है जिया टिकटिकी स्टूडियो. ज़रा चारू भी बने, रसम तो रसम भी बनेगा. उसके लिए हम इमली कर रहे हैं. तो बताती हूँ 5 मिनट बाद, मैं भी ज़रा अपना छोटा मोटा काम करके बता दूँ. तो देखिए तेल किस तरह से आ गया ऊपर की तरफ. जब फ्राई हो जाएगा ये, तो देखिए इसे और ज़रा फ्राई करेंगे. अभी नहीं हुआ, इतना में नहीं हो गया. एकदम कड़ी क्रिस्पी नहीं, ज़रा उससे एकदम ब्राउनिश जब तक हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे. आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये फ्राई हो रहा है बहुत अच्छी तरह से. कुछ बोलना है मम्मी? अभी रुको, ठीक है. इतना ही इसे ब्राउनिश करना है. ज़्यादा करने से फिर आप नहीं खा पाएंगे, बहुत ये हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. अब इस पर टोमेटो डाल दिया है हमने, मॉमी ने. देखिए कैसा लग रहा है. और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है. इसे हम हमेशा तैयार करके ही रखते हैं. इसे एक और मेथड है ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करने का. आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लीजिए और उसे आइस क्यूब कर दीजिए. जब भी ज़रूरत हो एक एक आइस क्यूब वही जिंजर गार्लिक का डाल दीजिए. तो ये गल जाएगा और हो गया आपका जिंजर गार्लिक. इससे बहुत दिन आप रख सकते, 1 सप्ताह 15 दिन भी बहुत जन रखते हैं. मेरी एक आंटी थी तो वो तो 15 दिन तक रखती थी. 15 दिन बोल रही, सॉरी 1 महीने तक यूज़ करती थी वो जिंजर गार्लिक. इस तरह आइस क्यूब बनाकर हम 1 महीना, कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है, तो 1 महीना मैं प्रिफर नहीं करूँगी. 15 दिन, 7 दिन, इस तरह 15 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं. पौष्टिक तत्व उसके ख़त्म हो जाते हैं. देखिए
तो मसाला मैंने मिला लिया, चिली पाउडर, गरम मसाला। फिर डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अभी ज़रा सॉल्ट डालेंगे। नहीं, रसम में। अच्छा, रसम में। रसम बना रहे हैं इमली का साइड बाय साइड। तो इमली के रसम के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, इमली ले लीजिए और उसे पानी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद सॉल्ट मिक्स कीजिए और हल्दी, ज़रा सांभर पाउडर। हाँ, सांभर, ज़रा सांभर पाउडर डालिए। देख लीजिए, सांभर पाउडर है MTR का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप एज़ पर योर चॉइस। और टर्मरिक है स्टार मार्केट का, लेकिन ठीक। तो हो गया इस तरफ, रसम भी हो गया, देख लीजिए। रसम बैठा दिया, रसम में हमने बैठा दिया है। ये बॉइल होगा और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, और 2 मिनट बाद देखिए कैसा हो गया, पूरा मसाला अंदर मिल गया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से पानी डाल दीजिए इसमें। जानी ना आया तो मेहनत करे पड़ी हम जानी नहीं। ज़रा पानी डालना है, ज़रा जब इसे भून लेंगे ज़रा पानी डालना पड़ता है ताकि ये ज़रा और अच्छे है। ज़रा 5 मिनट बाद दिखाती हूँ आप सबको। ये हो गया है मेरा चिंगड़ी तैयार। बंगाली में क्या बोलते हो? चिंगड़ी माछ। चिंगड़ी माछ इंग्लिश में प्रॉन फिश। तो हो गया डिश तैयार। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नेम GR टिकटिकी स्टूडियो। थैंक यू। और ये हो रहा है रसम, देख लीजिए रसम भी हो गया तैयार साइड बाई साइड।